ইতিমধ্যেই ভারতের 27টি রাজ্য ভ্রমণ করেছেন এই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় স্বপ্ন সন্ধানী তরুণ। মূলত পায়ে হেঁটে আর কিছু ক্ষেত্রে লিফট নিয়েই 15,000 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন রোহন। এই বিশাল দেশকে আবিষ্কার করতে 758 দিনের এই যাত্রা নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন রোহন আগরওয়াল। নিজের অভিজ্ঞতা আর এই পায়ে হাঁটার সম্পূর্ণ যাত্রা আর পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে জানান, 2 বছর ধরে এই যাত্রা করেছেন তিনি। যখন পায়ে হেঁটে এই যাত্রা বারাণসী থেকে শুরু করেছিলেন তখন তার বয়স 18 বছর ছিল বলে জানান এই তরুণ। নিজের ভ্রমণ পথের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে উল্লেখ করেছেন, প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল এবং পরিবেশ ও বৈচিত্র্যময় ঐক্যের বার্তা নিয়ে এই ভ্রমণ যাত্রা তার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 7টি রাজ্য ঘুরে ত্রিপুরার মাটিতে পা রাখা এই তরুণ সমান সচেতন মাদক ব্যবহারের কুফল নিয়েও। কেমন আছেন আপনারা? মেরা নাম রোহন আগরওয়াল, মেয়ে নাগপুর মহারাষ্ট্র সে মেয়ে উমর আমি 20 সাল और 2 साल से मैं पूरी भारत की यात्रा कर रहा हूँ। जब मैं 18 ईयर्स का था 25 अगस्त 2020 को वाराणसी से वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहाँ से जाते हुए मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट और अभी नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 7 महीने से हूँ। ये मेरा 7वां राज्य है नॉर्थ ईस्ट का और पूरे इंडिया का 27th स्टेट है जो मैं कर चुका हूँ। अभी तक मेरी जर्नी में 758 डेज हो चुका है, मोर देन 2 ईयर्स। और जर्नी में अभी तक मैंने पैदल चल के अभी तक 15,000 किलोमीटर का यात्रा मैं कर चुका हूँ। कभी कभी लिफ्ट भी लेता हूँ जब जरूरत पड़ता है, लेकिन लिफ्ट को भी फ्लाइट, ट्रेन या बस से नहीं लेता हूँ। ये जो जर्नी मैं करता हूँ दोस्तों, इसका एक इंटेंशन है, एक उद्देश्य है। ये इंटेंशन है कि आज जो सबसे खतरनाक चीज़ है पूरे हर इंसानों के लिए, वो गरीब हो या अमीर हो, वो एक बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, वो एक छोटा बच्चा हो या बूढ़ा आदमी, हर एक चीज़ उससे दिक्कत करती है, वह है एनवायरमेंट। নিজের পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে জানিয়েছেন, প্রথম ভারতীয় হিসেবে পৃথিবীর শীতলতম স্থান সাইবেরিয়ার উমিয়াকমে যেতে চান দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পায়ে হেঁটে। এই যাত্রা সম্পূর্ণ করলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সেখানে পা রাখবেন বলে জানান রোহন আগরওয়াল। কেমন আছেন আপনারা? মেরা নাম রোহন আগরওয়াল, মেয়ে নাগপুর মহারাষ্ট্র সে মেয়ে উমর আমি 20 সাল আর 2 সাল সে পুরি ভারত কি যাত্রা কর রা হুম। জব মে 18 ইয়ার্স কা থা 25 আগস্ট 2020 কো বারাণসী সে वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहाँ से जाते हुए मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट और अभी नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 7 महीने से हूँ। ये मेरा 7वां राज्य है नॉर्थ ईस्ट का और पूरे इंडिया का 27th स्टेट है जो मैं कर चुका हूँ। अभी तक मेरी जर्नी में 758 डेज हो चुका है, मोर देन 2 ईयर्स। और जर्नी में अभी तक मैंने पैदल चल के अभी तक 15,000 किलोमीटर का यात्रा मैं कर चुका हूँ। कभी कभी लिफ्ट भी लेता हूँ जब जरूरत पड़ता है, लेकिन लिफ्ट को भी फ्लाइट, ट्रेन या बस से नहीं लेता हूँ। ये जो जर्नी मैं करता हूँ दोस्तों, इसका एक इंटेंशन है, एक उद्देश्य है। ये इंटेंशन है कि आज जो सबसे खतरनाक चीज़ है पूरे हर इंसानों के लिए, वो गरीब हो या अमीर हो, वो एक बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, वो एक छोटा बच्चा हो या बूढ़ा आदमी, हर एक चीज़ उससे दिक्कत करती है, वह है एनवायरमेंट। ए बयसे देश और विपुल पृथ्वी के चेनार और जानार लक्ष्य तार ए दुस्साहसिक यात्रा और मनेर शक्ति के कनिष अवश्य जानाते हबे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज़।